कयूम जी को हेयर लॉस हो रहा है, उसके साथ साथ उन्हें इचनेस, बम्प्स और अनइजी फ्लेक्स जैसा उनके स्काल्प में हो रहा है। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों ऐसे हो रहा है, हेयर लॉस भी और इचनेस भी। चलिए हम उनसे बातें करते हैं, उनका प्रॉब्लम देखते हैं और उन्हें हम कुछ हेल्प कर सकते हैं या कुछ गाइड कर सकते हैं, ये देखेंगे। चलिए कयूम जी को हम लोग फोन करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग कयूम जी। गुड इवनिंग। यस, मैं डॉक्टर धनंजय चौहान बात कर रहा हूँ, क्लियर स्किन क्लिनिक से, पुणे से। हेलो 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 सर, हाउ आर यू? हाँ या, बहुत अच्छे है। कैसे है कयूम जी? आपकी क्वेरी आई थी, एक क्वेश्चन आया था हमें आपके हेयर लॉस के बारे में, और एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है? सर, वो 2 साल से ना हेयर लॉस हो रहा था। हाँ हाँ, अभी भी हेयर लॉस हो रहा है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन हेयर लॉस के साथ ना, हाँ हाँ, मैं ऐसे मतलब बाल झाड़ता हूँ तब ऐसे कुछ व्हाइट व्हाइट सा निकलता है। सो ये डैंड्रफ जैसा भी नहीं है, ऐसे व्हाइट ऐसे रेड स्किन जैसे निकल रहा है, ट्रांसपेरेंट जैसे फ्लेक्स निकल रहे हैं। ओके। इचिंग भी बहुत हो रहा है। ओके। तो और हेयर लॉस भी शुरू है और अभी बढ़ रहा है हेयर लॉस, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पूछा था आपको। देखिए, आपको दो प्रॉब्लम है, हेयर लॉस का भी प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम जो है वो जो आप जब सर से कुछ तो डैंड्रफ जैसा ही नहीं, डैंड्रफ से भी अलग सा कुछ आ रहा है, ऐसे नाखून से अगर ये किया तो नाखून में कुछ तो ऑयली सब्सटेंस आ रहा है और उससे आप परेशान है, हेयर लॉस से भी परेशान है। ये बम्प्स भी आ रहे हैं, छोटे छोटे फुंसियाँ भी आ रही है, पेन भी हो रहा है और इचिंग भी हो रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, ऐसा ही आपने क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन था। देखिए कयूम जी, हेयर लॉस इट इज़ नेचुरल, नॉर्मल, एवरीडे एवरी पर्सन लूजेस हेयर, बट उतने हेयर अगर तैयार नहीं हो गए जितने झड़ रहे, समझो 50-100 झड़ रहे हैं, तो 50-100 डेली तैयार नहीं हो गए, तो इनमें का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इज नथिंग बट थिनिंग ऑफ हेयर और एम्प्टी स्पेसेस इन स्काल्प या बाल्डनेस या गंजापन बोलते हैं। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता है, इसको 2-4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल लगते हैं बाल्डनेस आने के लिए। लेकिन आप अच्छा किया, आप जब भी बाल झड़ने लगे हैं तभी ही कांटेक्ट किया, बराबर है। अभी कितने आपको बाल्डनेस हो रहा है? कुछ टक्कल टक्कल कुछ लग रहा है क्या आपको? ओके ओके ओके, आपको हेयर लॉस हो रहा है। ओके, हेयर लॉस हो रहा है तो हेयर लॉस से ज्यादा वो खुजली वगैरह हो रही है ना, और वो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, उससे ज्यादा परेशान। ओके, व्हाइट दिख रहा है। सी, ये सिंपल डैंड्रफ भी हो सकता है, हेयर लॉस तो नॉर्मल भी है, नेचुरल भी हेयर लॉस हो सकता है, किसी को भी डेली हेयर लॉस हो सकता है, लेकिन आपको थिनिंग नहीं है या एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, हेयर लाइन रिग्रेस नहीं हो रही है और साइड से अंदर जा रहा है। देखिए हाँ, वो तो उम्र के हिसाब से, आपकी उम्र कितनी है? 28, तो वो थोड़ा सा अंदर जाना है, यानी ये शुरुआत भी हो सकती है। ठीक है, देखेंगे आपके हेयर लॉस के रीज़न क्या है, कैसे है, लेकिन आपको बाल्डनेस नहीं है, थिनिंग नहीं है, इसका मतलब है कि आपके जो बाल है, ये बाल आपके जो है ये जितने झड़ रहे हैं उतने आ रहे हैं, तो बाल्डनेस का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कोई आपके बाल झड़ रहे हैं उतने तैयार करने की भी हम लोग कोशिश करेंगे, तो वो जितने दिन तक ज़्यादा रहेंगे, जितने झड़ रहे उतने तैयार हो रहे, तो आपको बाल्डनेस नहीं होगा, वो पोस्टपोन होगा। लेकिन आपका जो दूसरा प्रॉब्लम है, इचिंग आ रही है एंड स्केलिंग ऐसा कुछ तो रूसी जैसा, रूसी से भी ज़्यादा येलो येलो आ रहा है, बम्स आ रहे हैं, इचिंग हो रहा है, उसकी वजह से आप परेशान हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे या उसे गाइड करने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, वो ऐसा अंदर हाथ डालने के बाद आपको लगता है हाथ में कुछ ऐसा आ रहा है, स्केल्स जैसा या कुछ, या बम्स पेनफुल रहते हैं? जब
हाथ अंदर डालता हूँ ना तो पूरा चिपक के ही बाहर आता है। हाँ, हाथ डालते हो तो चिपक के आ जाता है, तो शायद ये डैंड्रफ रहेगा। और अगर ये बहुत ही हो रहा है, एक्सटेंसिव हो रहा है, तो वो डैंड्रफ का इन्फ्लेमेशन की वजह से सिबोरिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, वो भी होने के चांसेस है। लेकिन डैंड्रफ ये सिर्फ ड्राई स्किन या फ्लेक्स रहते हैं। लेकिन अगर वो रूटीन शैम्पू से, आप हमारा वीडियो देखिए, डैंड्रफ पे हम लोगों ने वीडियो किया है, शैम्पू कौन सा यूज़ करने वहाँ चाहिए वो भी एक वीडियो कर दिया है, और वो दोनों भी वीडियो ये यूट्यूब चैनल पे ही है, वो देखिए, फिर आपको डैंड्रफ और शैम्पू इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, ये अगर सिंपल रूसी है, डैंड्रफ है, तो सिंपल शैम्पू से ये निकल सकती है, डेली वॉश करने से निकल सकती है। लेकिन बम्प्स आ रहे हैं, पेनफुल है, बहुत ईचिंग है, तो शायद ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। सिबोरिक डर्मेटाइटिस ये थोड़ी सिवियर कंडीशन रहती है डैंड्रफ से ज़्यादा, लेकिन ये भी दवा से या शैम्पू से, मेडिकेटेड शैम्पू से कंट्रोल हो सकती है। तो आप आपके हेयर की अच्छी तरह से केयर ले लो, ये दोनों भी वीडियो आप देख सकते हो, और उसी हिसाब से हम लोग ट्रीट करेंगे। आपके नज़दीक वाले डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार तो जाके दिखाइए, ताकि वो आपको बताएंगे कि वेदर इट इज़ सिबोरिक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ, या वहाँ बॉइल आ रहे हैं, या कुछ पेनफुल लीजन्स आ रहे हैं। अगर वो पेनफुल लीजन्स अगर कुछ इन्फेक्टिव रहते हैं, तो वो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक भी दे देंगे। आपका जो हेयर लॉस हो रहा है, उसके वेरियस रीजंस रहते हैं, नॉट नेसेसरी आपके घर में किसी को बाल्डनेस या गंजेपन हो उसी वजह से ही होगा, या हार्मोन की वजह से ही होगा, नहीं तो टीलोजन है, बहुत सारे कॉजेस है, लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज का अभाव है, डाइटरी डिफिशेंसी, बहुत सारे हेयर लॉस के कॉजेस रहते हैं। तो कौन सा कॉज है, उसी हिसाब से डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। डैंड्रफ है तो सिंपल एक कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो, या डैंड्रफ थोड़ा सीवियर है तो किटोकोनाजोल कंटेनिंग या मेडिकेटेड शैम्पू आप सलाह से ले सकते हो। या वो भी नहीं है, अगर सिबोरिक डर्मेटाइटिस है, यानी सिर्फ स्काल पे ही नहीं, अगर आपको आईब्रोज पे है, या बियर्ड में है, मुस्टैच में है, चेस्ट, बैक, बिहाइंड योर ईयर लोब्यूल, और ये है, अगर अदर साइड्स पे भी है, तो सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। उसके लिए डॉक्टर के पास बहुत सारे ट्रीटमेंट है, वो दिखा सकते हो, एंड डॉक्टर आपको बहुत अच्छी तरह से एडवाइस करके आपका ये प्रॉब्लम भी कम करेंगे। बम्स है या पुश्यूल है, ये भी कम करने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो वीडियो डर्मास्कोप से देखते हैं, हेयर पुल टेस्ट करते हैं, और हेयर लॉस के लिए भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है, दवा है लगाने की, खाने की, PRP, मिजो, लो लेवल लेदर लाइट, या ऐसे कुछ ट्रीटमेंट आप में शायद नहीं लगेगी, लेकिन बहुत सारे ट्रीटमेंट है। अच्छा हो गया कि आप बाल झड़ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस हो गए, थोड़ी हेयर लाइन पीछे जा रही है तो कॉशियस हो गए। जब कम रहता है, उसी टाइम ही अगर हम ट्रीट करेंगे, तो हम बाल्डनेस प्रिवेंट कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं। इतनी कम उम्र में बाल्डनेस या हेयर लॉस झड़ना, तो बराबर है, आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो, या कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। तो डोंट वरी, डॉक्टर विल हेल्प यू, डर्मेटोलॉजिस्ट विल हेल्प यू, आप वहां जाके दिखा सकते हैं। मैं पुणे में ही रहता हूँ, तो आपको आके मिल सकता हूँ क्या? हाँ, पूना है तो आपके नज़दीक वाले डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, अगर नहीं है तो पूना में हम लोग है, वहाँ आके मिल सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाइए हमारे, वहाँ भी हेयर लॉस के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, वहाँ भी www.hairmdindia.com ये वेबसाइट पे जाके आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कहाँ मिल सकते हो वो भी देख सकते हैं, तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक बार तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ, उसके बताए हुए ट्रीटमेंट करोगे तो आपका प्रॉब्लम जल्दी हल होने के चांसेस है। ओके, ओके सर, ओके, चल बाय, ओके, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।